हरियाणा निवास पर पुस्तक समारोह लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर ACS अधिकारी धीरा खंडेलवाल की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अनेकों गणमान्य लोगों ने विशेष तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया गया। पीयूषा नामक युवती ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। उनकी मधुर आवाज की वहां खूब सराहना भी हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया, साथ ही इस दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों का भी स्वागत किया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां काव्य कृतियों का विमोचन किया गया, वैसे ही वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाई। इस दौरान गणमान्य लोगों ने अपनी कविताओं से खूब समा भी बांधा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज 23 जनवरी का दिन है, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, आगे से इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पराक्रम दिवस पर ACS अधिकारी धीरा खंडेलवाल की दो पुस्तकों का विमोचन भी उनका पराक्रम है। उन्होंने कहा कि पहले भी उनकी कई पुस्तकों का विमोचन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आजादी की लौ सुभाष चंद्र बोस ने पैदा की है। उन्होंने कहा कि आज हम सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि कविताओं को गहराई से समझा जाए तो उसमें अपने आप का ही आनंद आता है, बस भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कविताओं के अंदर एक संदेश होता है, उसमें समाज का चित्रण होता है। कविता जो होती है वह मनुष्य की भावनाओं का स्रोत होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्यकार उसे प्रकट करता है, साहित्य का समाज पर बहुत असर होता है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर सभी कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, सभी को नियमों का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाना होगा। इस अवसर पर विजयवर्धन टिकेदास एवं SC देसी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा से काफी ट्रैक्टर जा रहे हैं सिंघु बॉर्डर की तरफ, कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सामान्य व्यवस्थाएं होती हैं, सब सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। अपने अपने कार्यक्रम सभी जो गणतंत्र दिवस के हैं अपने अपने स्थानों पर सब करेंगे, जो योजना उसके हिसाब से करेंगे। योजना से बाहर जा करके किसी को कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सर, लगता है कोई साजिश है जो जिससे शख्स पकड़ा गया है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai. Incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.